दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम की, क्योंकि आपको पता है आयुष्मान कार्ड, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं कोई पात्र गृहस्थी वाले, तो आयुष्मान कार्ड बनना स्टार्ट हो चुका है, आप बना रहे हैं। तो मैं आपको एक बताऊंगा, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब आपने राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक एरर आता है, जिसको जो बोलता है नो बेनिफिशरी अवेलेबल इन द गिवन सर्टेन क्राइटेरिया, ये आता है। तो ये क्यों आता है और इसका सलूशन क्या है? अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में 6 या 6 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं, और क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि जितने भी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी को आयुष्मान कार्ड स्कीम में जोड़ा जाएगा, बशर्ते शर्त एक ये रखी है कि अगर आपके राशन कार्ड में 6 या 6 से अधिक मेंबर है तभी आपको जोड़ा जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड में 6 और 6 से अधिक मेंबर होते हुए भी जब वो सर्च करते हैं, फैमिली आईडी डालते हैं, राशन कार्ड नंबर डालते हैं, तो इसके बाद भी एक एरर आता है, नो बेनिफिशरी अवेलेबल इन द गिवन सर्टेन क्राइटेरिया। तो ये क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है और इसका सोल्यूशन क्या, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। तो बने स्टूडियो में लगातार, मैं हूं पवन छागड़ और आप देख रहे हैं चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो पूरा डिटेल जानने के लिए मैं आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको आयुष्मान ऐप लिख देना है। जैसे आप आयुष्मान ऐप लिखेंगे तो आपको देखिए ये वाला एप्लीकेशन आयुष्मान ऐप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वाला डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करते ही आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप उन्हें अलाउ करिएगा। इसके बाद आपके पास सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आप देख सकते हैं अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ये आप देख सकते हैं। और नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। और अब आई एम एलिजिबल, 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन देखने को मिलता है बेनिफिशरी और दूसरा ऑपरेटर, देख सकते हैं लॉगिन एज पर। तो आपको बेनिफिशरी पर क्लिक करना है और इसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP डालकर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसमें सर्च फॉर बेनिफिशरी का ऑप्शन दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हों, तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश करूँगा। इसके बाद आपको स्कीम का नाम सिलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय और PMJAY। तो PMJAY स्कीम आपको सिलेक्ट करनी है। सर्च बाय, किससे आप सर्च करना चाहते हैं, देखिए आप दोस्तों फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम या लोकेशन रूरल या अर्बन, इससे आप सर्च कर सकते हैं। अब आप सर्च बेनिफिशरी पर क्लिक करते हैं तो आपको ये एरर दिखाई देता है, नो बेनिफिशरीज फाउंड इन गिवन सर्च क्राइटेरिया। तो ये जो एरर आ रहा है इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कल मैंने जब आयुष्मान भारत स्कीम की ऑफिशियल नंबर पर कॉल किया, जो हेल्पलाइन नंबर है, तो वहाँ पर मुझे पता चला, उन्होंने बताया मुझे कि जो स्कीम अभी स्टार्ट की गई है राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने की, पात्र गृहस्थी की मैं बात कर रहा हूँ, सफ़ेद वाले राशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, और वो जब ये स्कीम स्टार्ट की गई, सपोज दैट एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, 6 महीने पहले स्टार्ट की गई है और 6 महीने पहले आपके राशन कार्ड में 6 या 6 से मेंबर अधिक नहीं थे, आपने अभी अपने राशन कार्ड में 6 या 6 से अधिक मेंबर को जुड़वाया है, ऐड कराया है, तब तक लिस्ट पहले बन चुकी है। तो इसका मतलब जब इसकी लिस्ट बनी है, जब 6 या 6 से अधिक राशन कार्ड धारकों को इसमें ऐड किया गया है, तब आपके राशन कार्ड में 6 मेंबर नहीं होंगे, इस वजह से आपका नाम वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही, मतलब कि जब ये लिस्ट बनी है तब तक आपके राशन कार्ड में 6 मेंबर नहीं ऐड किए गए होंगे, तो इस वजह से आपका नो डाटा फाउंड दिखाता है, नो बेनिफिशरी अवेलेबल दिखाता है। तो मैंने पूछा कि इसका सलूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा और आपको जल्द ही इसमें मैप कर दिया जाएगा, जैसे ही अपडेट करेगी सरकार जितने भी राशन कार्ड धारक हैं और बाद में उनके 6 मेंबर ऐड हुए हैं उनको अपडेट किया जाएगा, फिर आपका डाटा दिखाई देने लगेगा और आप आसानी से उसे आप राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक जो सोल्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया, जो हमारी बात हुई थी।
क्या आपको थोड़ा भी इंतजार कर लेना है, या आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाकर भी इसे चेक करा सकते हैं। अगर डाटा नहीं शो कर रहा तो आपको इंतजार ही करना होगा। जल्दी जैसे सरकार फिर से अपडेट लाएगी तो आपके जितने भी 6 से अधिक वाले राशन कार्ड धारक हैं सदस्यों वाले, उनको फिर से जोड़ा जाएगा, इसके बाद आप आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट था, लोगों के मन में सवाल था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, मैंने वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, सर मेरा डाटा नहीं दिखा रहा है, मेरे मेंबर्स नहीं दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दिखा रहा है, और ये एरर आता था बार बार। तो इसका सलूशन यही है, और ये जो मैंने आपको सलूशन दिया, ये हमारी कॉल पर बात हुई थी हेल्पलाइन नंबर पर, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दिया। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई और भी डाउट है, अगर आपका कोई दूसरा एरर आ रहा है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम आपका उस एरर का, उस जो भी दिक्कत आ रही है उसका सलूशन लेकर आएंगे और आपको रूबरू कराएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो या जानकारी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हेल्प ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।